हाँ तो सर ये देखिए आप इसने हाइट देखो अभी मेरे ये यहाँ तक आ रहा है हां हाइट भी काफी है ना हाँ जी हाँ अच्छी हाइट और ये देखिए ये लसुन अपने खड़ा था उधर से बस हाँ इधर इनको दिखाना थोड़ा सा इधर नमी इसमें कितनी नमी बंद की अभी ये जो पराली हटा के अपने यहाँ से ये पराली हटा के ये देखो मिट्टी बिल्कुल कितनी मुलायम मिट्टी हो रखी है बिल्कुल जैसे लग ही नहीं रहा नहीं मुलायम है ये और नमी आप अभी का, तक, हाँ, बहुत एक हाँ, अक्टूबर का लगाया था हाँ, जनवरी हो गई है ये लसन देखिए आप बहुत हाँ, ही मतलब हाइट भी हाँ, इसने बहुत ज्यादा की चलो नमस्कार किसान भाइयों मैं आपका किसान दोस्त अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और मैं यहाँ पे गोलू वाला क्षेत्र जो पीलीभंगा तहसील में अपने राजस्थान में तो वहाँ आया तो अपने एक दोस्त ने मेरे दोस्त ने एक लहसुन की खेती कर रखी है काफ़ी शानदार तो वो देखा तो मन हुआ भी चलो इसको वीडियो में लिया जाए और सभी को शेयर किया जाए इसकी जानकारी काफ़ी अच्छी किस्म का लहसुन लगा मुझे तो मैं अभी उनसे परिचय करवाता हूँ आपको और लहसुन के बारे में पूरी जानकारी देंगे हाँ जी अपना एक परिचय दो सभी को नमस्कार किसान भाइयों मेरा नाम सत्यदीप राव गांव मेरा गोलू वाला है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरा और मैंने अब की बार एकड़ एक -एक ये लहसन लगाया है अभी ये वैरायटी कौन सी लगाई है आपने ये वैरायटी देसी है अच्छा वेस्ट बन जाता है अभी ये कब आपने लगाया इसको ये लहसन हमने हमने मतलब है, आधा एकड़ लसन पहले लगाया था और आधा एकड़ बाद में लगाया तो हाँ हाँ हमने लसन ठीक है जो अपने एक अक्टूबर को लगाया था है। एक अक्टूबर को और बाद में जो हमने आधा एकड़ लगाया वो हमने पंद्रह अक्टूबर के आस पास लगाया हाँ जी और तो इसमें ये आपने क्या लगा रखा है नीचे जैसे ये पराली है ये हाँ ये हमने मल्चिंग की है तो पहले हाँ जी हाँ। पहले तो मेरा सीधा लगाने का प्लान था ठीक है भाई जैसे बेड बनाकर उनके ऊपर मतलब मल्चिंग कर, कर वो भी अभी तकनीक चली है है लेकिन हम क्या है नए बंदे थे अच्छा, तो कर कर हाँ जी हाँ जी ना? नहीं हमने पराली वाला देखा था पहले आपने कहीं देखा था हमने हमने बेड भी बनाए थे और बेड बनाए थे वो बेडों पे क्या है उस समय बरसात आ गई तो वो बेड हमारे खराब हो गए हो तो एक बार जैसे प्लान चेंज करके और ये ये प्लेन मतलब ये लगा दिया हाँ जी हाँ जी तो एक बार अपने मतलब फैमिली का सिस्टम होता है भाई एक हाँ। बार जो खराब हो जाए उसके बाद में मन खराब हो जाता है हाँ। बंदे का तो बाकी अभी पढ़ाई वगैरह छोड़ के अभी स्टार्ट किया आपने ये या पहले भी लसन लगाया है नहीं नहीं मैं पहले तो पढ़ाई करता था अभी बी ए किए मैंने और ये लसन मैंने अभी लगाया है क्योंकि हाँ, पहली हाँ हमारे दोस्त मतलब आप ही हाँ। आप ही खेती करते हो वैसे सब्जियों की तो आपको देख के मैंने सोचा भाई क्यों आप भी बहुत इनकम कर रहे हो इसके अंदर तो मैंने सोचा भाई हम भी क्यों ना इनकम की जाए अच्छी ठीक है। खाद वगैरह कुछ क्या दिया इसमें आपने पहले दिया कुछ जी इसको पहले हमने प्लाऊ मारे इसके अंदर और उसके बाद में हमने प्लाऊ मारकर कर से दो तीन बार इसको बाया जमीन को भाग कर उसको मतलब लसन जब लगाते हैं हमें तो मिट्टी जो फुल मतलब पोली चाहिए हाँ जी हाँ जी वो की थी हमने हाँ मतलब प्लेन चाहिए हमें आ, बिल्कुल ठीक है तो हमने प्लेन कर लिया उसके बाद में ये क्यारी बना ली क्यारी, क्यारी मतलब बना दी इसकी। तो हम, हमने कि, हमको किसी ने बताया था कि भाई क्यारी है जो छोटी रखना ठीक है क्योंकि उसको पानी प्रॉपर मिले ठीक है ठीक है एक सार हो ना हाँ हाँ भाई कहीं कम ज्यादा मतलब जहाँ पर पानी रुक जाता है वहाँ पे वो लसन खराब होने का डर रहता है इसके लिए हमने छोटी क्यारी क्यारी बनाकर हमने फिर सीधा लसन लगा दिया लेबर से ठीक है लेबर की कॉस्ट भी लेबर की कॉस्ट भी हाँ हाँ बहुत ज्यादा आती है लेबर की कॉस्ट इसके अंदर तो उसके लेबर की कॉस्ट उस हिसाब से इनकम भी बहुत ज्यादा है ठीक है पहले तो खर्चा लगता है पर बाद में दुगनी इनकम हो जाती है इसके अंदर ठीक है हां जी तो हमने ये सारा लगा लिया ठीक है उसके बाद में पराली हाँ, ये हमने जो पराली दो नीचे आपने डाल रखी है इसमें हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये मल्चिंग की हमने हां जी इससे क्या है भाई एक तो कचरा है वो बहुत कम होता है इससे अपने को गोडी नहीं करनी पड़ती है बिल्कुल भी ठीक है हाँ तो मतलब नमी नमी भी भी रखता रखता है है ना ये हाँ, जैसे नीचे प्रॉपर हाँ जी इससे पानी की भी कमी बहुत है हाँ बचत तो करता है हाँ, ये पानी हाँ, हाँ, हमारे एरिया में यहाँ पर पानी बहुत कम है तो करके हमने हमने, हमने हमारे कोई साथी है वो पराली बिछाते हैं ठीक है नीचे ठीक है तो हमने उनसे राय ली तो वो बोलते भाई एक तो इससे पानी की बचत है और ऊपर से इससे हमें गोडी भी नहीं करनी पड़ती वो भी बचत है कचरा नहीं होता ना एक हाँ जमीन हाँ लेबर की बहुत ज्यादा बचत है इसके अंदर बाद में आधे से ज्यादा किसान भाई इस करके नहीं लगाते लहसुन है क्योंकि उन्हें ये कॉस्ट बहुत बढ़ती है निकालने वाला हाँ हाँ भी हाँ, समस्या हाँ खूब रहती है ना हाँ जी ये कॉस्ट ज्यादा पड़ती है इसके कारण वो मेरे मतलब अपने जो भी किसान भाई है वो नहीं लगाते हैं ठीक है तो अब हमने ये लगाया है तो इसके अंदर एक बार तो कचरा हो गया इतना भी नहीं हुआ लेकिन ये दूर, दूर दूर पे है, कहीं कहीं है इसमें। हाँ ये एक एक कड़ा। इसके हमने कम कम है। अभी पिछले थे कुछ मतलब लेबर जी। तो वो लेबर लगाई तो हमने एक दिन के अंदर निकाल दिया है। हाँ जी एक -एक हाँ जी तीन लेबर तीन बंदे थे और वैसे हम करते तो एक दिन के अंदर ये क्यारी नहीं निकलती है क्यूँकी ये कचरा बहुत कम है ना इसके कारण हमने मतलब बहुत जल्दी निकाल दिया तो आप अपने जैसे किसान भाइयों को इसका कॉस्ट बताओ भी इसमें क्या क्या कॉस्ट आई है जैसे पराली की होगी अपने बीज का हो गया लेबर का हो गया जो भी खर्चा आपका आया है वो आप बता सकते हो एक एक आपको अगर ध्यान में हो तो हाँ जी हाँ जी जरूर है हाँ जी। तो इसके अंदर हमारा जो एक एक जो बीज लगा है हाँ जी वो दो क्विंटल से थोड़ा ऊपर लगा है हाँ मतलब दो ढाई कर लो आप दो से मतलब ढाई सौ किलो हाँ हाँ ढाई सौ किलो के लगभग लगा गए हमारा ठीक है और उसका खर्च है जो बीज आप जोड़ लो हाँ डेढ़ सौ से लेकर दो सौ रुपए तक बीज मिलता जी। हाँ जी। है हाँ जी ठीक है आप खर्च हो गया हाँ, वो वो जोड़ लो मतलब हाँ, वो उसका बीज का हो गया हाँ जी हाँ जी तो उसके बाद इसकी जो लगवाई, लगवाई है अपने हाँ जी रोपाई करवाई अपने से वो रोपाई है जो मतलब अभी तो पहले तो मेरे को पता नहीं था अभी एक अपने मतलब किसान साथी है वो मतलब ठेके पर जैसे एक एकड़ है तो एक एकड़ की कॉस्ट है उन्होंने बताई थी मुझे दस हजार के लगभग मतलब है, जो बंदे लेबर है वो लगा देती है का उनकी अपनी टीम है जैसे दस हजार रुपए में एक हाँ एकड़ लगा देती है एक एकड़ मैंने तो मतलब मैं पहली बार लगाया तो हाँ करके मुझे इतना पता नहीं था हाँ तो मैंने लोकली हाँ, जो वो है जैसे गांव से लेबर उठा के हाँ 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 काम करवाया वो तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी फिर नहीं उनकी बहुत ज्यादा आई है जी इतना पता नहीं है, नहीं है। हां जी। तो करके कोस्ट क्यों, उन्होंने दिन भी ज्यादा लगा दिए इसके अंदर और हमने पहली बार की थी तो करके हमें मतलब वो कॉस्ट ज्यादा आ गई तो ये पराली वगैरह का सिस्टम ये पराली हमारे रिलेटिव उनसे उनके मतलब जो ना होता है तो जिस समय हमें ये चाहिए थी उस समय ये पी आर जो होता है ना पी आर हाँ जो ना है जी। वो आ, किसान भाई है वो पहले निकाल लेते हैं तो वो मैंने कोई पता करके उनसे वहां से आपने हाँ, हाँ, ये इसको। इसका क्या कॉस्ट आ गया एक एकड़ का का जैसे पराली हाँ ये एक पराली अपनी दो ट्राली मतलब पड़ जाती जी दो ट्राली पड़ जाती है अपनी एक एकड़ के अंदर ठीक है उनका कॉस्ट कितना आपको लगभग जो लेबर है अपनी हाँ जी। वो लगी थी हाँ जी।, जी हमने पांच मतलब पांच बंदे थे लेबर के उन्होंने मतलब एक ट्राली भर दी भर दी उसमें हाँ जी ठीक है मतलब दो ढाई हजार रूपए तो लेबर के खर्चा आपके हो हाँ हाँ तो तो हमने लसन तो की रोपाई वगैरह करवा दी आपने उसके बाद पानी कब दिया इसको नहीं हमने जैसे वो लेबर है ठीक है लेबर लगाने के बाद में हाथों हाथ ही हमने पानी, पानी जी नहर का पानी दिया पहला हमने पानी हाँ वो पानी हमने लगा दिया उसके बाद में हमने पराली बिछाई थी वो सारा सिस्टम मारा करके दस चार में मतलब पराली आ गई हाँ जी उसके बाद में हमने दो बंदे लगाए थे जी। एक दिन के अंदर आधा एकड़ उन्होंने पराली बिछा दी थी ये पराली है जो कम से कम दो इंच तक लगानी पड़ती है ऊपर है। है। अब कितने पानी अब तक कितने पानी दे चुके इसमें अब तक हमने तीन पानी दे दिए हाँ बीच में बरसात भी खूब थी ना हाँ हाँ बरसात बहुत ज्यादा थी उसके कारण हमने पानी मतलब बहुत कम लगाए हैं तीन पानी लगाए हैं सिर्फ ठीक है और, और एक काफी स्वस्थ लग रहे हैं ना तीन पानी में बाकी कोई आई नहीं जैसे नीचे से पराली को हटा के मैंने देखा था पहले हाँ जी नीचे बिल्कुल एकदम नमी नमी है हाँ ये नमी है इसके कारण मतलब अभी आप देख लो नमी है अभी हमने इसको पानी लगाया था लगभग पंद्रह दिसंबर को लगाया था है। ये पानी मतलब उसके बाद में सेकंड पानी है जो ठीक है और अभी तक ये देखो काफी शानदार है कोई इसमें हाँ तो हाँ। वो, इस वो है नहीं ऐसा अभी पानी की कमी है या कुछ नहीं था नमी, था। नमी पड़ी अभी तक खूब है हाँ, वो हाँ। थोड़ा ट्राई किया था इधर से मैंने देखा था ये उठा के ना मिट्टी ये देखो बिल्कुल एकदम गिल्ली मिट्टी पड़ी है हाँ हाँ बिल्कुल गिल्ली मिट्टी है अभी पानी की अभी जरूरत नहीं है अभी हम इसको पानी नहीं आ, एक मंथ के बाद होगा हाँ जी पानी लगभग दो पानी लग जाएंगे अभी तक और इसके बाद पांच पानी मतलब टोटल लग जाते हैं इसको ठीक है। हाँ जी हाँ तो अभी अपने किसान भाइयों को बताएं भी इसकी बेचने की क्या प्रक्रिया रहेगी इसको कच्चा ही आप मार्केट में बेचते हो या फिर इसको तैयार होने के बाद उखाड़ोगे आप क्या सिस्टम रहेगा इसका नहीं वैसे कुछ तो हम तैयार होने के बाद में बेचेंगे ठीक है लेकिन अभी अब की बार इसके मतलब लहसुन के रेट बहुत कम है ठीक है तो करके हम हमने ट्राई किया था कुछ ले जाकर ठीक है मार्केट में कच्चा लेके गए थे आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। मतलब जो लहसुन है कई लोग होते हैं वो वैसे कच्चा भी हाँ यूज करते हैं हाँ जी हाँ जी तो करके मैं कच्चा लहसुन लेके गया था वो हमारा लहसुन है जो पचास रुपए के आसपास लगा था तो मतलब हाँ जी हाँ जी आज़ी, 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 रेट बहुत कम है इसके अब के बाहर जी, जी। तो करके हमने सोचा भाई आगे तेजी आएगी तैयार करके बाद में क्वालिटी काफी शानदार है मैंने देखे थे वो नहीं क्वालिटी बहुत ज्यादा है इसकी और मैंने अभी हमारे और भी किसान साथी है वो मतलब अपने अपने खेत में एक क्यारी मतलब छोटी लगाते है तो वो आते हैं वो देखते हैं वो बोलते हैं यार ये लसन इतना बड़ा कैसे हुआ हाइट बहुत ऑर्गेनिक तरीके से इतना खाद नहीं डाली हमने सिर्फ गोबर की खाद डाली है और थोड़ी बहुत डी डाली थी तो इसकी ग्रोथ को देख के वो आपसे मतलब अगर और भी किसान भाई अपना बीज आपसे लहसुन का बीज लेना चाहे तो आप उनको अपना कॉन्टेक्ट नंबर

इसका सर एक एकड़ के अंदर अपना ये सौ से लेकर डेढ़ सौ कुंटल तक हो जाता है ये तो और रेट का क्या सिस्टम होता इसमें? इसका तक अपना एक एकड़ में हो जाता है और लगभग पचास से लेकर सत्तर रूपए तक अपना नॉर्मल बिक जाता है अच्छा तो उसी हिसाब से इसका कैलकुलेशन हाँ जी हाँ जी लगभग रेट है पीछे इसका डेढ़ सौ रुपये भी आया है रेट हाँ जी हमारे जो वो जिनसे हमने बीज लिया था वो डेढ़ सौ तक बेच, बेचा है उन्होंने तो अच्छी इनकम हुई है मतलब लगभग एक एकड़ एक अपना तीन लाख तक चला जाता है बढ़िया ठीक है जी ठीक हाँ तो आज की वीडियो में आपके साथ जो जानकारी आपने ली है सत्यदीप से जो लहसुन के बारे में इस तरह की नई नई जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल वी एन ऑफ एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ताकि सबसे पहले जो भी टेक्निकल जो खेती के बारे में जो भी टेक्निक एडवांस टेक्निक की खेती है उसकी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके धन्यवाद जी